भारत और चीन के बीच चल रही तनाव के चलते हाल ही में भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप को भारत में बैन कर दिया, जिनमें टिकटॉक भी शामिल है और साथ ही अन्य कई चाइनीज एप्लीकेशंस भी शामिल हैं। लेकिन अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि चीन को एक और झटका लगने वाला है और ये झटका लगेगा अमेरिका की तरफ से, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सचिव माइक पोम्पियो ने एक बयान में कहा है कि अमेरिका अपने यहाँ चीनी ऐप्स को बैन करने पर विचार कर रहा है, जिनमें टिकटॉक भी शामिल है। भारत में पहले ही 59 चीनी ऐप्स बंद हो चुके हैं और अब अमेरिका का ये बयान चीन के लिए नई मुश्किल बन गया है। भारत में चाइनीज़ एप्लीकेशंस के बंद होने के बाद सभी कंपनियां भारत सरकार से इस मुद्दे पर बात कर रही हैं, लेकिन अब तक सरकार ने अपना फैसला नहीं बदला है और एप्लीकेशंस पर लगाया गया बैन अभी भी जारी है। भारत में टिकटॉक के बैन होने के बाद वीडियो मेकिंग ऐप्स में पॉपुलर होने की होड़ लगी हुई है और सभी एप्लीकेशंस अपने फीचर्स में बदलाव कर रहे हैं। हाल ही में इंस्टाग्राम भी अपना एक फ़ीचर जिसका नाम रील्स है वो लेकर आया था। हालांकि ये फ़ीचर अभी कुछ ही देशों में उपलब्ध है और अब इसे जल्द ही भारत में उपलब्ध कराने पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही कई ऐसे ऐप्स हैं जिनमें होड़ मची हुई है। इनमें मित्रों और चिंगारी जैसे वीडियो मेकिंग ऐप हैं जिन्हें बड़ी संख्या में डाउनलोड किया जा रहा है। वीडियो मेकिंग सेगमेंट में अपनी जगह बनाने के लिए हर रोज नए एप्लीकेशंस सामने आ रहे हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।